तो शुभम जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एरे फॉर्मूला। तो जी फॉर्मूले के फीचर में हम एरे फॉर्मूला आज करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एरे फॉर्मूला का यूज क्या होता है और कैसे इसको करते हैं। जी सर ठीक है, जी सर एरे फॉर्मूला बेसिकली अगर हम बात करें एरे फॉर्मूला का, तो कोई फॉर्मूला का लिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूले का लिस्ट है जिसको आप यूज करते हो। ये एक तरीका है, फॉर्मूला लगाने का एक तरीका है, इसको हम अच्छा तरीका कह सकते हैं। एक ऐसे जैसे अभी तक आपने वी लुकअप, एच लुकअप, इस तरह से कैटेगरी वाइज फॉर्मूला पढ़ा था कि लॉजिकल, इंफॉर्मेशन, जी। रेफरेंसेस। एरे कोई कैटेगरी नहीं है, एरे एक तरीका है फॉर्मूला लगाने का। अब हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि हम एरे फॉर्मूला का यूज करते क्यों हैं, इसका यूज आखिर होता क्यों है। अच्छा तो बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज जो है हम करते हैं दो केसेस में। पहला डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि टाइम सेविंग, एंड तीसरा दूसरा कैलकुलेशंस। तो दो फीचर्स के लिए होता है, अच्छा मतलब कि जो काम कई सारे सेल्स में या कई सारे सेल्स में आप करते हैं, कई सारे अलग अलग फॉर्मूले करते हैं, वो काम विद इन एक सेल में, विद इन एक फॉर्मूले में आपका हो जाता है, वो एरे कहते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपको दोनों कैटेगरी का एग्जाम्पल बता रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है कि मैं यहां पे लिखता हूं सुजीत, मान लीजिए। अब जी मैं इसको हर सेल में, हर लेटर को अलग अलग सेल में मुझे करना है, तो जनरली इसके लिए मैं मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा कि मिड, इसको सिलेक्ट किया और बोला स्टार्ट नंबर, मतलब कि एक से स्टार्ट हो और एक लेटर आए, तो एस आ जाएगा। अगेन मैंने यहां पे मिड का फॉर्मूला लगाया, इसको सिलेक्ट किया और बोला दूसरे से स्टार्ट हो और एक आ जाए, मैंने यहां पे कॉमा देना छोड़ के। फिर अगेन मैं यहां पे मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा और मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसको सिलेक्ट किया, एंड तीसरे से एन कॉमा हुआ है। और अगेन सेम इसी तरह से मैं मिड का फॉर्मूला इस्तेमाल करते चले जाऊंगा। ये तो हमें नॉर्मल जी एक्सेल की बात हुई, जैसे नॉर्मल एक्सेल फॉर्मूले की, ये एरे नहीं है, ये नॉर्मल एक्सेल अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है, जी सर अब मिड फॉर्मूले, अगर मैं मिड फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा तो मिड फॉर्मूले में क्या इस्तेमाल करूंगा, सॉरी एरे फॉर्मूला में करूंगा तो कैसे करूंगा। अगर मैं इसी को मैं एरे फॉर्म में मुझे लगाना होगा, तो हमने देखा कि सारा एक ही, बस इसमें नंबर हट रहा है, जी तो मैं यहां पे फॉर्मूला जी मिड का लूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा और कर्ली ब्रैकेट में मैं दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, फिर वापस कॉमा वन। तो जो हमें अलग अलग सेल्स में अलग अलग फॉर्मूले के साथ करना था, वो काम मैंने यहीं पे आपको एक साथ में कर दिया। अच्छा ठीक है, जी सर और इसको मैं एफ सेलेक्ट कंट्रोल करके F2 किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर जो है, एक कंट्रोल शिफ्ट एंटर एक सिंबल है, मतलब कि एक तरीका है, इसी से आपका एरे फॉर्मूला रन होता ओके कंट्रोल है। शिफ्ट टेक्सट एंटर समझता है कि हाँ दिस इज द एरे, दिस इज नॉट ए नॉर्मल फॉर्मूला, दिस इज द एरे। ओके ठीक है, जी सर मतलब कि इस पर्पस क्या है, देखिए जैसे कि मैं यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अलग अलग सेल्स पे लिखते हैं ना, जी उसी तरीके से मैं सिक्वेंसली यहीं पे 1, 2, 3, 4, 5 लिख के अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और बोलूं F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसका यूज आपने वी अच्छा लुकअप में भी देखा था। जी अब इसका, अभी कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इसमें नंबर ही दे सकते हैं, सीक्वेंस ही दे सकते हैं, कुछ और भी दे सकते हैं। हम चलिए आपको यही एक और एग्जांपल बताते हैं कि नहीं, इसमें हम एज पर रिक्वायरमेंट, जो हमारा फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट है, नंबर का हो, टेक्स्ट का हो, एबीसीडी का हो, डेट टाइम का हो, वो आप यहां डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल तैयार कर रहा हूं, जी
ठीक है। और यहां पे मान लीजिए कि मुझे मंथ वन मंथ टू इस तरह से एम वन एम टू एम थ्री है, तो मुझे यहां पे जैन का सम निकालना, यहां फैब का सम निकालना, यहां पे मुझे मार्च का सम निकालना, अच्छा ठीक है। जी तो मैं यहां पे करूंगा इक्वल सम इफ रेंज, हमने रेंज को सिलेक्ट किया, और यहीं पे कर्ली ब्रैकेट में इनवर्टेड कॉमा में जैन था, इनवर्टेड कॉमा क्यों देंगे, क्योंकि फॉर्मूला है तो देना जरूरी है, जैन कॉमा फैब कॉमा एनमार्च, फॉर्मूले में टेक्स्ट लिखते समय हम लिखते हैं ना इनवर्टेड कॉमा जी में, एंड फिर यहां पे इसको दे देंगे। फिर इसको सेलेक्ट किया और F2 प्रेस किया मैंने और बोला कंट्रोल शिफ्ट एंटर हमने मार दिया, तो इसको इसने डिस्ट्रीब्यूट जो किया, इसको जैन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको फैब डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको मास डिस्ट्रीब्यूट अच्छा किया, ठीक है। जी सर कोई दिक्कत इसमें सर? नहीं सर समझ में आ रहा है अब इसमें होता है कि आप जो यहां इसको कर रहे हो, मतलब कि आपने यहां पे जो जैन फेब मार्च इस तरह से कॉमा वाइज लिखा है ना, क्यों, जब जी आपको एक कॉलम वाइज लिए, लेकिन कभी इन फ्यूचर में अगर आपको रो के हिसाब से करना हुआ तो इसमें हम कॉमा के जगह पे सेमी कॉलन लगाएंगे, जैसे कि समय हमने इसको सिलेक्ट किया एंड ट्रेंड कर्ली ब्रैकेट में देंगे यहां पे और जैन, और जैन और फैब के बीच में जो हमारा ये था, मतलब कि सेपरेट सेपरेटर था, जी उस सेपरेटर को सेमी कॉलन से करेंगे, ठीक है, कॉमा नहीं करेंगे यहां पे, क्योंकि मुझे रो वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया एंड कॉमा सम रेंज सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं यहां पे F2 कंट्रोल से एंटर प्रेस करूंगा, गुड आउट सर, एक बार फिर से दिखाएंगे सर वो एम वन कॉलम वन देखिए ना आपके सामने कौन हो रहा है। जी एफ जन अच्छा तो डिफरेंस क्या हुआ सर दोनों में डिफरेंस है कि यहां पे कॉलम कॉलन है, सेमी कॉलन है, ओके ओके और यहां पे कॉमा, तो कॉमा अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा सब में सेम रिजल्ट आएगा, सो ड्रैग ही नहीं होगा, मतलब कि ड्रैग होगा तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैंने इसको किया यहां पे इधर पेस्ट कर देता हूं और कंट्रोल सेट मारता हूं, देखिए सब में सेम रिजल्ट आ रहा है, जाता क्योंकि कॉमा सेपरेट होता है कॉलम वाइज के लिए, और सेम इसको अगर मैं आगे की तरफ सेपरेट करूंगा तो फिर सेम आएगा जैन 5 मार्च में, सेम 65/1 होगा, क्योंकि ये जो सेमी कॉलन है ये रो वाइज के लिए, अच्छा तो रो एंड कॉलन का सेपरेटर कहलाता है, ठीक है, जी सर डाउट इसमें। नहीं सर तो पहला हमने समझा, आप हमने आपको पहला चीज समझाया कि हमारी पहले जो ट्रेनिंग होती है, सॉरी इसकी एरे का यूज होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि अलग अलग सेल पे अलग 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 इनपुट देने के बजाय उसको आप एक सेल में इसका यूज कर सकते हैं। जी सर ठीक है, जी सर अब इसमें एक चीज आती है कि दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन जो है बेनिफिट है वो है कैलकुलेशंस, कि कुछ ऐसे कैलकुलेशंस
जो कि हमें काफी ज्यादा सेल्स यूज करने पड़ते हैं, काफी ज्यादा लेंदी होता है, उस कैलकुलेशन को ए विद इन सेकेंड में करता है, विद इन सेकेंड नहीं होता कि एक सेल में करता है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे कि कुछ नंबर्स मैं देता हूं, 85, 65, 25, ये हमने कुछ नंबर्स डाले। मुझे इस सारे नंबरों पे सबसे पहले तो 5.5 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है, तो कि डिवाइड बाय 5.5, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई बाय करना है 2, देन प्लस करना है 100, फिर उसका 90% निकाल के फिर इसका टोटल मुझे दिखना दिखाना है। स्वामी सुन पा रहे हैं? जी जी सर तो इसको लिए अगर मैनुअल करें विदाउट एरे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दैट इज डिवाइड बाय 5.5, फिर इसमें मैं मल्टीप्लाई बाय टू इनटू करूंगा, टू जी फिर रिजल्ट आएगा उसमें +100। मतलब किस तरह की कैलकुलेशंस है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, जी 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 और फिर इसमें 90% में इसका निकालूंगा, फिर इसका सम निकालूंगा। तो आपने देखा इसके लिए हमने कितना लंबा कैलकुलेशन इस्तेमाल किया, जी और हमने इसके जी लिए तकरीबन 20 सेल यूज किए। जी हाँ, 20 सेल्स। जी तो हर बार में इतना वाला कैलकुलेशन तो नहीं ले मन नहीं कर पाएंगे ना। जी सर तो हम चाहते हैं कि एक सेल में हो जाए, ओके तो एक सेल में करने के लिए हम एरे इस्तेमाल करेंगे। तो क्या एरे इस्तेमाल करेंगे, देखिए यहां में हम पहले तो सम, इसमें डिवाइड बाय 5, तो एक इकट्ठे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। 5.5 अच्छा जी मल्टीप्लाई बाय 2 +100 एंड परसेंट 90%। रिजल्ट अभी गलत आ रहा है, अब इसको हम बोर्ड मास जी मेथड इस्तेमाल करेंगे। ओके तो इसको हमने सबसे पहले ब्रैकेट दे दिया ताकि ये डिवाइड होगा, जी फिर हमने सिलेक्ट किया और हमने इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिया इंडिविजुअल, अच्छा फिर जी इसको सिलेक्ट किया एंड हमने +100 एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे, ओके रिजल्ट आपके सामने। तो इसी काम के लिए आप इतना लंबा कैलकुलेशन इस्तेमाल किया और यहां पे देखिए कितनी सेल में हो ओके जी जी गया। ठीक है, जी सर तो इसी चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एरे फॉर्मूला, क्योंकि एरे फॉर्मूला हमारा जो है जो वर्क करता है वो वर्क करता है इसी तरीके से, ताकि हम जो काम हमारा काफी ज्यादा जो काफी ज्यादा हमारा ये होता है टाइमिंग एंड काफी ज्यादा सेल्स को कंज्यूम ना करके हम इसको आपके सामने इस तरीके से यूज करते हैं। अच्छा जी सर ठीक है, जी सर तो एरे फॉर्मूला इस तरीके से परफॉर्म किया अच्छा जाता है। तो दोस्तों देखा किस तरीके से अभी मिस्टर सुमम को मैंने ट्रेनिंग दिया, मुझे शुभम ने मेरे साथ लाइव क्लासेस ली, अपने डाउट्स अपने हर एक चीज को घर बैठे उन्होंने पूछा और देखा। तो क्यों आप किसी ट्रेनिंग सेंटर के पीछे भरेंगे कि आपको घंटे 2 घंटे का ट्रैफिक में जाना और ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना, फिर वहां पे आधे 1 घंटे 2 घंटे क्लास लेके फिर वापस आना,
ई क्लासेस आप अपने घर में आराम से बैठे ले सकते हैं, बस आपके लिए पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए और लाइव आप अपने ट्रेनर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। साथ में ई क्लास की रिकॉर्डिंग बन जाती है, जो रिकॉर्डिंग आपको हर क्लासेस के बाद मिलती है, जिससे आप उसको अपने हिसाब से दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारी कोर्सेज होती हैं, एकदम वर्किंग प्रोफेशनल्स, आपके लाइफ ऑफिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है कि आप अपने ऑफिस से लाइफ में कैसे ग्रो करोगे। और मैं कुछ ट्रेनिंग लूंगा, मैं पिछले करीब 14-15 सालों से इसी फील्ड में वर्किंग रहा हूँ और मैं पिछले 7 सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो ये जो क्लासेस हमारी होती है, बिल्कुल आपकी जो एडवांस एक्सेल जो आप जानते हैं, जो जो सीखना चाहते हैं, वही आपको मैं सिखाता हूँ। अच्छा, डिटेल्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.iptindia.com पे जा सकते हैं। और हाँ, आपको पहले ज्वाइनिंग प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम पहले आपको 3 से 4 क्लासेस फ्री डेमो देंगे। तो 3 से 4 क्लासेस आप लेके देखिए, आपको लगता है कि हाँ ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल है, उसके बाद आप ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो करें। या फिर हमारे डीवीडी भी परचेज कर सकते हैं। सबके लिए आप मुझे कॉल कीजिए, अभी मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।